हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद व्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हुआवे HMS डिवाइस में आप आपका पुराना व्हाट्सएप बैकअप कैसे ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन है ये मेरे GMS मोबाइल की स्क्रीन है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जाना है व्हाट्सएप में, फिर आप जो तीन डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में जाइए, फिर चैट बैकअप, उसके बाद जो बैकअप टू गूगल ड्राइव है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और नेवर के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैकअप करना है, आपका जो मोबाइल का डेटा जो बैकअप ऑप्शन है उसको बैकअप करना है। उसके बाद आप बैक आइए, पूरा बैक आइए, उसके बाद आप जाइए फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के बाद आप सर्च कीजिए व्हाट्सएप फोल्डर कहाँ पर है। जब आपको व्हाट्सएप फोल्डर मिल जाएगा आप उसको क्लिक कीजिए, डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, सेकंड डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, जो आपने लेटेस्ट जो अभी डाउनलोड किया देखो जस्ट नाउ है उसको छोड़ के बाकी का जो भी बैकअप है उसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, बस जो रिसेंटली जो है उसको डिलीट नहीं करना है, बाकी का इससे पहले जो है उसको डिलीट करना है। उसके बाद आप बैक जाइए, बैक जाने के बाद डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए और मीडिया को भी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो नीचे मोर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके कॉम्प्रेस कीजिए। कंप्रेस करने के बाद करंट डायरेक्टरी जो है उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको एक जिप फाइल क्रिएट हो जाए। जिप फाइल क्रिएट होने के बाद ठीक है आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करके आपका जो नया HMS डिवाइस है जो भी है, जैसे कि मेरे पास Nova7i है, आप इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर इट से शेयर कर सकते हैं, ब्लूटूथ से या Huawei शेयर से शेयर कर सकते हो। मैं शेयर कर रहा हूँ इसको, मैं अभी शेयर करूँगा अपना शेयर इट से। चलो शेयर इट्स पर क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं। अभी मैंने मेरा डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है, सॉरी मैं वो नहीं दिखा पाया। तो ये मेरा नया डिवाइस है, मैंने ऑलरेडी इसमें जो जिप फाइल था ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अभी जो नया डिवाइस है इसमें आपको जाके फाइल्स में क्लिक करना है। फाइल्स में क्लिक करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कीजिए और शेयर इट का फोल्डर सर्च कीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपने फाइल शेयर किया है वो शेयर इट के फोल्डर में ही होगी। तो अभी आपको फोल्डर ओपन करने के बाद फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद आप देख सकते हो जो रिसेंटली फाइल आपका शेयर हुआ है वो है व्हाट्सअप जिप फाइल। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद करंट डायरेक्टरी पे ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हो जो फाइल जो फोल्डर आपने जिप फाइल में कन्वर्ट किए थे वो ऑटोमेटिक उसको आप फोल्डर्स में आ गए हैं। तो उसके अंदर जो भी डेटा है वो नहीं जाएगा, वो सेम टू सेम रहेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अभी आपने जो है दोनों को क्लिक करके मूव करना है। मूव कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप फोल्डर में। तो व्हाट्सएप फोल्डर आप सर्च कीजिए आपके नए डिवाइस में, आप इंटरनल स्टोरेज में जाइए, आप वहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप फोल्डर है। तो व्हाट्सएप फोल्डर को ओपन करके वहाँ पे इसको मूव कर दीजिए, जो डेटाबेस और जो मीडिया फोल्डर है उसको मूव कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको बैक आना है आपके होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप ऐप ऑप्शन होगा, ऐप पे क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऐप्स, उसके बाद आप वहाँ पे व्हाट्सएप सर्च कीजिए। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद जो भी परमिशंस है व्हाट्सएप के आप उसको अलाउ करना है, स्पेशली स्टोरेज ऑप्शन। ठीक है, आपको अलाउ करना है क्योंकि स्टोरेज में आपका ऑलरेडी डेटा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सारे अलाउ कीजिए, ये बेटर है आपके लिए, क्योंकि अगर कल को कुछ लोकेशन का या किसी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये करने के बाद आपको जो है व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद जो भी आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, नेम नंबर जो भी डाल के आप जैसा भी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हो ऐसा आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकअप जो है आपका स्टोरेज में है। तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपका बैकअप है मीडिया से लेके ऑडियो हर चीज़ उसमें, जो भी आपने करंट बैकअप किया था वो सब कुछ उसमें आ जाएगा, नॉर्मली वर्क करने लगेगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी करूँगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़बरदस्त होने वाला है। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो, कमेंट लाइक शेयर, थैंक यू गाइस, मा सलाम।